स्नैपचैट का पासवर्ड अगर आप भूल चुके हैं तो इस कंडीशन में आप उसे कैसे चेंज करेंगे। सो गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए देखना, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत छोटी सी वीडियो है, लास्ट तक देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्नैपचैट को ओपन करेंगे, उसके बाद आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। अब आपको टॉप राइट कॉर्नर में सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा पासवर्ड का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, टू सेट ए न्यू पासवर्ड प्लीज़ एंटर योर करंट पासवर्ड फर्स्ट। देखिए नया पासवर्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पे अपना पुराना पासवर्ड डालना होगा, लेकिन भाई कंडीशन ये है कि आप पासवर्ड भूल चुके हैं और भाई यहाँ पे मैं भी अपना पासवर्ड भूल चुका हूँ। तो अब आपको कैसे पासवर्ड चेंज करना होगा, तो देखिए नीचे फॉरगेट योर पासवर्ड लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, वाया फ़ोन और वाया ईमेल। अगर आपने स्नैपचैट को फ़ोन नंबर के थ्रू बनाया था तो आप फ़ोन पे क्लिक करेंगे, अगर आपने ईमेल के थ्रू बनाया था तो आप ईमेल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं फ़ोन को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब आप अगर आपने ईमेल के थ्रू बनाया था तो आप ईमेल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूज यहाँ पे क्या होने वाला है, इस पे ओटीपी आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना। तो अब यहाँ पे ओटीपी मंगाने के भी दो वे हैं, आप SMS से भी मंगा सकते हैं और कॉल करके भी आप OTP सुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेंड वाया SMS पे क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं जाता हूँ अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में और देखता हूँ यहाँ पे कोई OTP आया है या नहीं। देखिए OTP आ चुका है 3157, वो वहाँ पर ऑटोमेटिक वेरीफाई भी हो चुका था 3157। तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है, OTP वेरीफाई हो चुका है पहले से ही। अब आपको यहाँ पे अपना जो है नया पासवर्ड बना लेना है, और आपको जो यहाँ पे पासवर्ड बनाना है गाइज, मैं आपको बता दूँ 8 करेक्टर का आपको पासवर्ड बनाना है, ठीक है। और उसमें न्यूमेरिकल होने चाहिए 1, 2, 3 और ABCD, और हो सकता है तो सिंबल भी आप ऐड कर लेना, लेकिन 8 से कम नहीं होना चाहिए। 8 अक्षर का यहाँ पे पासवर्ड बनाएंगे, उसके बाद नीचे कन्फर्म पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। जब हो जाएगा यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपका पासवर्ड ईजिली चेंज हो जाएगा।